नमस्कार, मैं हूं बालवीर और आप देख रहे हैं बालवीर थ्री। बालवीर की जर्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू सोनी सब एंड हिट द बेल आइकन। वीर भैया, इवा दीदी का फोन है। हेलो इवा दीदी, क्या हुआ? हेलो वीर, ये मैं जिस बस से आ रही हूँ ये अपने आप चल रही है। वीर ड्राइवर नहीं है बस में। इवा दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ पर है आप? शांति लेन क्रॉस कर रही है बस। अब चिंता मत करो इवा दीदी, मैं कुछ करता हूँ। वीर भैया, आप इसमें क्या करेंगे? इवा दीदी आपका बालवीर से हेल्प मांगे। वीर भैया डरो मत, बालवीर है ना। सब लोग सुनिए सुनिए, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालवीर बचा सकता है, तो प्लीज सब लोग मेरे साथ मिलकर बालवीर को आवाज लगाइए। काशवी दीदी, वीर भैया क्यों गए? बालवीर है ना? हाँ वह, लेकिन इवा का भाई है ना वीर, तो उसका जाना तो बनता ही है। हाँ लेकिन देखना, वीर भैया से पहले ना बालवीर वहाँ पे पहुँच जाएगा। तुम लोगों को बचाने नहीं, खुद को फंसाने आए हो बालवीर। ये कैसा यंत्र है? ये यंत्र हमें बेनाम के ठिकाने का रास्ता बताएगा। वो कहीं भी छुपी हो, ये उस गुप्त स्थान को ढूंढ निकालेगा। अखिल जी, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक यंत्र है, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा यंत्र? ये यह हमारी आवाज को किसी भी दूसरे शख्स की आवाज में बदल सकता है। इसे पहनकर किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकते हैं। देखिए, अब तू मरेगा बालवीर। देखा, इसे हमने बालवीर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। वाह, शशमा ने क्या बेहतरीन यंत्र बनाया है। अब शशमा की तारीफ खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। जी बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर ये जरूर आगे लिया उसके साथी ने किया है। एक बार मैं इन्हें बचा लूं फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिल गया, बेनाम का गुप्त स्थान मिल गया हमें। वो रहा,
आप सब बस से बाहर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं, आप कोई खतरा नहीं। उतरो, सब लोग उतरो। थैंक यू सो मच बालवीर, यू आर अ सेवियर। बालवीर, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों का मुंह कभी नहीं देख पाता। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में डाला। आप सब एक तरफ हो जाइए। कौन है जिससे इन लोगों को इतना परेशान किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। फंस गया शशमात की साजिश में, अब तू खुद अपने जादू का अंश देगा और उसी जादू के अंश से तेरा अंत होगा। शशमाप, ये तो गजब का जादू है। आगील, तुम तो एकदम बेनाम बन गई हो। यही तो इस रूप बदल जादू का कमाल है। एकदम बेनाम, वही शकल, वही आवाज, वही शरीर, बस इसके अंदर बेनाम नहीं, मैं हूँ आगील। एक मिनट, बकरा भाई हो बात भाई, नीचे आना। वो कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके जागता है? वो जानवर नहीं है, पक्षी है। हाँ तो कौन सा पक्षी है? उल्लू। उल्लू? ए शशमात, कहीं तुम हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहे हो और अपने जादू से मेरे भांजी को बेहोश तो नहीं कर दिया? मामा, अब जश्न मनाओ। अरे यही मेरी भांजी है। देखा शशमात, इसका जो तेज दिमाग है ना, ये मेरी देन है, वरना पहले ये तो बेवकूफ थी। वही आंखें, वही गुस्सा, वही मेरा डर, और जितना मुझे डर लग रहा है ना, उससे यही साबित हो रहा है कि यही मेरी भांजी है। मामा को दोबारा तसल्ली करनी पड़ेगी, ये जानते हुए कि तुम आगील हो उसके बाद भी। तो बालवीर तो इस जन्म में कभी नहीं पकड़ पाएगा। आज जश्न मनेगा, बालवीर मरेगा, सर पे मेरे ताज सजेगा। मामा, मेरे भांजी के सर पे ताज सजेगा। मामा, ए? सर पे भांजी के ताज सजेगा। अब बालवीर वही करेगा जो मैं उसकी माँ उससे करवाएगी। उसके महाशक्तिशाली बाप भस्म को उसी के हाथों जिंदा करके। माँ, माँ, मा?
ये तो उत्तान रेखा है। मतलब महामहिम उत्तान को शक हुआ होगा कि माँ की जान खतरे में हो सकती है, और इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इस रेखा का निर्माण किया। मैं इसे पार नहीं कर सकता। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ, माँ कहाँ हैं? माँ, आप ठीक तो है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा माँ ठीक है या नहीं। माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन मुझे आपकी रेखा को तोड़ना पड़ेगा। मन तो कर रहा है अभी के अभी गला काट दूं तेरा बालवीर। कहां गई थी आप? ठीक तो है? मैं कब से आपको पुकार रहा था, कहां गई थी आप? मैं यही थी, तुम्हारे पीछे तुम्हें सुन रही थी। मां कहते हुए क्या मैं एक बार फिर से मां सुन सकती हूं? मां, तुम अपनी माँ के नहीं अपनी मौत के गले लग रहे हो बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।